Hello everyone, this is STUTI AGRAWAL and I have cleared my board groups IPCC in November 2017 by scoring 488 marks, which made me All India ranked 24th. I am here to share some tips and tricks that I followed that might help you all for your preparation. First of all, for the practical subjects, maintain a concept notebook. कंसेप्ट नोटबुक में आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं, वो टॉपिक्स लिखने हैं जो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज करना चाहेंगे, जिससे आपके सब्जेक्ट पे कमांड बन जाए. द हर्डल वी फेस एज स्टूडेंट्स इज कि हमें पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए एग्ज़ाम के पहले सिर्फ एक ही दिन मिलता है, तो उस एक दिन में पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए ऐसी कंसेप्ट नोटबुक बहुत काम आएगी. फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कंसेप्ट नोटबुक इज़ अ मस्ट. नाउ कम्स द थ्योरी सब्जेक्ट्स. थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए आई प्रिफर मार्किंग देम. I used to mark everything I want to study the day before my exams. This helps you to revise the whole subject at one sitting, which is very beneficial while you go for your exams. Then comes the coaching institute. I had taken my CPT coachings as well as IPCC board group coachings from Excel Educational Institute. यहाँ की faculty बिल्कुल parents की तरह advise करती है. मतलब academically, non-academically दोनों तरीके से they act as your support system. As a CA student, academics के साथ साथ हमें motivation की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो एक्सेल में हमें बहुत अच्छे से मिलती है. उसके बाद पेरेंट्स, फैमिली का एटमॉस्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है. आप किस एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं, ट्राई टू मेक द एटमॉस्फेयर लाइट एंड स्ट्रेस फ्री. माय फैमिली, पर्सनली इतना सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने मुझे, मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट. आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ फैमिली. माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर, ऑल ऑफ देम इतने कोऑपरेटिव हुए, जिस वजह से मैं IPCC बोथ ग्रुप एक अटेम्प्ट में क्लियर कर पाई. फॉर यू ऑल आउट देयर आई वुड लाइक टू से, आपको जो करना है वो कीजिए, देयर इज़ नो थंब रूल. मैंने भी अपने सीनियर से एडवाइसेस ली थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट एज आई से देयर इज़ नो थंब रूल. डू विथ वॉट यू आर कम्फर्टेबल विथ. आपको बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको डिप्रेस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं होना है. आप ईजिली फर्स्ट अटैम्प्ट में IPCC बोथ ग्रुप्स क्लियर कर सकते हैं. अगर आपका नहीं भी होता है तो आप अपनी ढूंढिए आपकी मिस्टेक्स क्या थी, उस पर वर्क कीजिए और फिर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा. यू जस्ट नीड टू बी पैशनेट एंड फोकस्ड. थैंक यू.